हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 11 सितंबर के द हिंदू में आज पढ़ने वाले हैं और देखेंगे आज क्या क्या आया हुआ है। समिट कंक्लूडेड, मोदी कॉल्स फॉर वर्चुअल रिव्यू मीट इन नवंबर। ठीक है, तो समिट जो है G20 वो कंक्लूड हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है और वर्चुअल रिव्यू की बात की है उन्होंने कि वर्चुअल रिव्यू मीट करेंगे नवंबर में। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। G20 अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी शुड कन्वीन वर्चुअली टूवर्ड्स नवंबर, तो नवंबर में ये होने वाला है। एंड टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस मेड ऑन द प्रपोजल रिसीव ड्यूरिंग सेप्टेम्बर 9-10 समिट। मतलब जो प्रपोजल्स हैं जो रिसीव किए गए हैं नवंबर सेप्टेम्बर 9-10 में, उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए, ठीक है, वर्चुअली क्या करेंगे, प्रोग्रेस देखने के लिए वर्चुअल मीट होगा कब, नवंबर में। Prime Minister Narendra Modi said here on Sunday, Mr. Modi handed over the ceremonial gavel to Brazil President. मतलब समझे इसका मतलब कि मतलब देखो अभी इंडिया कर रही थी प्रेसिडेंसी, अब उसने हैंड ओवर किसको कर दिया, ब्राज़ील को। तो ये लाइन यहाँ से याद रखनी है कि अभी तक इंडिया कर रहा था, ठीक है, अब कौन कर रहा है, ब्राज़ील। ओके, जिनका नाम है लुइस इनसीओ लुला दी सिल्वा। तो उनको क्या कर दिया उन्होंने, जो होता नहीं है ऐसे, जब आपने देखा होगा जज के जैसा रहता है ऑर्डर करने वाला, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, वो दे दिया, मतलब प्रेसिडेंसी दे दी। वो मैं आपको ऐसे बना रहता है, आपने ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है, तो उनको हैंड ओवर किया। इसमें क्या कहा जा रहा है, वो नेक्स्ट चेयर होंगे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट्स चेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ G20 इन ब्राज़ील। तो अब ब्राज़ील में होगा। इन दीज टू डेज ऑल ऑफ यू हैव पुट फोर्थ मेनी थिंग्स, गिवन सजेशंस दैट हैव कम फॉरवर्ड टू सी हाउ देयर प्रोग्रेस कैन बी एक्सेलरेटेड। आई प्रपोज दैट वी होल्ड अनदर वर्चुअल सेशन ऑफ G20 समिट एट एंड ऑफ द नवंबर। तो वर्चुअल समिट करने वाले हैं नवंबर में। मिस्टर मोदी सेड एक्सप्रेसिंग होप दैट द गोल्स ऑफ G20, जो गोल्स है G20 के, विल बी फर्दर एडवांस ड्यूरिंग द अपकमिंग प्रेसिडेंसी ऑफ ब्राज़ील, की मतलब जो ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी है उसमें क्या होगी, और भी उसको क्या किया जाएगा, एडवांस लेवल पे ले जाया जाएगा, फर्दर एडवांस होगा। द वर्चुअल मीटिंग विल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंसी इन नवंबर। नवंबर में जब एंड होगी तो उस समय वर्चुअल एक क्या किया जाएगा, मीटिंग होगी। अब वर्चुअल मीटिंग का मतलब आप जान रहे हो कि फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं होगा, वो कनेक्ट होंगे ऑनलाइन। द दिल्ली समिट विटनेस्ड अ हाई पॉइंट विद द एडमिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन आपको पता है, ये इंडिया ने ही क्या किया था, ये किया था कि अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड होना चाहिए। ओके, दिस वॉज दी फॉलोड बाई दी पर्सनल अनाउंसमेंट बाई प्राइम मिनिस्टर ऑन दी ज्वाइंट डिक्लेरेशन। उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन समिट में बोला ये चीज, विच वॉज अडॉप्टेड थ्रू कंसेंसस कमिंग शार्प डिफरेंसेस अमंग मेंबर रिगार्डिंग द यूक्रेनियन क्राइसिस। सून आफ्टर ही डिक्लेयर द एंड ऑफ समिट, मिस्टर मोदी हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद विजिटिंग लीडर्स। जैसे उसमें उन्होंने मीटिंग्स भी की बहुत सारों के साथ, जिसमें थे जर्मन चांसलर जो थे, प्रेजिडेंट लुला दी सिल्वा जो प्रेसिडेंट थे ऑफ यूरोप, कमीशन उर्सुला एंड टर्किश प्रेसिडेंट एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वोन सुक योल। तो सबके साथ उन्होंने क्या किया, अपना मीटिंग करी। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो ये एक पेज ही आ गया है पूरा G20 समिट से रिलेटेड, एक पेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इसमें क्या है, 200 आर्ट्स ऑफ नेगोशिएशन 15 ड्राफ्ट्स लेड टू कंसेंसस ऑन यूक्रेन। ऐसा एक है, रशियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेस इंडिया फॉर समिट स्टेटमेंट सक्सेस। तो उन्होंने क्या किया, प्रेज किया इंडिया को, एक तो ये है। ब्रिटिश पीएम सुनक एंड वाइफ विजिट अक्षरधाम टेम्पल, ये आपने सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखा होगा। निर्मला मीट चाइनीज काउंटर पार्ट ल्यू क्यून एंड G7 नेशन टर्की डिफेंड क्लिम डाउन ऑन यूक्रेन टू क्लिंच दिल्ली डिक्लेरेशन। एनी ग्रीन इनिशिएटिव दैट आइसोलेट रशिया इज़ बाउंड टू फेल, ऐसा एर्डोगन ने कहा है। AU लीडर्स वेलकम एडमिशन इन G20, ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये उन्होंने किया था ना कि अफ्रीकन यूनियन को भी पार्ट होना चाहिए G20 का। अब इसमें से हमें कौन कौन सा पढ़ना है, हमें इसमें से ये वाला तो है कि वो विज़िट किए, तो उसमें क्या देखना है, ऐसा आप लोग जानते ही हैं इनको, ऋषि सुनक को, और ये है
अक्षता मूर्ति, ठीक है, इनको आप जानते ही हैं। रशियन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस किया इंडिया समिट स्टेटमेंट सक्सेस को, तो ये भी है ही है। अब आपको यहाँ से हमें ये वाला पढ़ना है, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, तो पहले इससे शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, एयू लीडर्स वेलकम एडमिशन इन G20, अफ्रीकन लीडर्स ने वेलकम किया है अनानिमस डिसीजन द G20 काउंटर पार्ट टू एडमिट अफ्रीकन यूनियन इन एज इट्स 21st मेंबर। तो आपको क्या पता चला, G20 20 मेंबर्स थे, तो इसमें क्या हुआ कि एज अ 21st मेंबर के तौर पे कौन ऐड होने वाला है, अफ्रीकन यूनियन। ऑनर्ड टू बिकम द अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 फैमिली, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बोला। दिस विल स्ट्रेंथन G20 एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, ठीक है। ही एम्ब्रेस्ड कोमोरोस प्रेसिडेंट अजोली हु इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जो कि चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के, तो उन्होंने उनको भी क्या किया यहाँ पे मतलब एक तरीके से एम्ब्रेस्ड किया ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड इन्वाइट हिम टू ज्वाइन प्रोसीडिंग एट द समिट इन न्यू दिल्ली, तो उन्होंने उनको इन्वाइट भी किया था। अफ्रीकन लीडर्स अफर्म मिस्टर मोदी व्यू इन देयर रिएक्शन इन इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। वी ऑल्सो डिलाइटेड दैट G20 हैज़ एक्सेप्टेड अफ्रीकन यूनियन, मतलब उन्होंने बोला कि अफ्रीकन यूनियन को एक्सेप्ट किया एज अ मेंबर एट G20 ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इन द वेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक प्रेजेंट अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन इन लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलियंट सस्टेनेबल सोसाइटी, ठीक है। तो मिस्टर रामफोसा ने कहा है, ये पोस्ट किया है उन्होंने, उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये आप देख लो, ट्वीट करके उन्होंने बोला है। एनी ग्रेन इनिशिएटिव दैट आइसोलेट रशिया इज टू बाउंड टू फेल, ऐसा एडोगन कह रहे हैं। मतलब आपको इसके बारे में हमने शॉर्ट नोट भी बना रखा है, ठीक है, याद होगा, ग्रेन इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं एनी इनिशिएटिव दैट आइसोलेट रशिया, मतलब कोई भी इनिशिएटिव जिसमें आइसोलेट कर दिया जा रहा है, रशिया को अलग कर दिया जा रहा है इन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव बाउंड टू फेल, कि मतलब वो फेल ही होना है, ऐसा टर्किश प्रेसिडेंट का कहना है, तैयब एर्डोगन का। उन्होंने कहा है संडे को, वाइल रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव मेक मॉस्को वुड रिटर्न टू द कलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेन डील द सेम डे, ठीक है, इट्स कंडीशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन एंड फर्टिलाइजर्स फॉर ग्लोबल मार्केट आर मेट। वी बिलीव दैट एनी इनिशिएटिव दैट आइसोलेट रशिया इज बाउंड टू फेल, बोल रहे हैं कि कोई भी इनिशिएटिव ऐसा है जो आइसोलेट कर रही है रशिया को, वो फेल ही होना उसका, ऐसा है। तो ऐसा एर्डोगन, जो कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे देखो ये 1 मिनट, हाँ, टर्किश प्रेसिडेंट है, ठीक है, टर्की के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस बारे में इन्फॉर्म मतलब ऐसा बात वहाँ पे बोला है। तो ये चीज़ है, इसमें भी कुछ वैसा है नहीं, ये हमारा इंपॉर्टेंट था कि एज अ न्यू मेंबर G20 में कौन ऐड हुआ है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए G20 का 21st मेंबर बन रहा है अफ्रीकन यूनियन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे आ जाएंगे हम, G20 समिट का ये भी है, जापान कीन टू डीपन डिफेंस टाइज विद इंडिया सेज किशिदा, रिफर्स टू G20 डिक्लेरेशन टू टारगेट गवर्नमेंट, कांग्रेस शेयर वीडियो ऑफ वाटर लॉगिंग है G20 वेन्यू, मतलब क्या क्या चीज़ें कांग्रेस कर रही है ये देख लो। ओके, टेंशन ऑफ खालिस्तान वाले फॉरन डिफेंस मार्केटर मोदी मीट, तो ये सब छोड़ो। यूक्रेन नॉट विद इशू बिटवीन वेस्टर्न ग्लोबल साउथ G20 सेज वाइडन, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं G20 पे, हमें एक सेपरेट वीडियो बनाना है, वो बन जाएगा जल्दी ही, ठीक है, क्योंकि अभी समिट तो ख़त्म हुई है। अब यहाँ पे देखो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले में कुछ ना कुछ हमारा रहता है, इसमें क्या बात हो रही है, ऑन द क्राइम ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, ऑन द क्राइम ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, मतलब कई बार क्या होता है, कपल्स होते हैं, मतलब अनमैरिड कपल्स होते हैं, वो प्रॉमिसेस करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे पर वो नहीं करते, तो उस पर क्या बात है ये देखेंगे। सेक्शन 69 ऑफ द प्रपोज्ड भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 आइडेंटिफाई सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज एज एन ऑफेंस। ये बहुत ही अच्छा एक लाया गया है बिल, मुझे जैसा लगता है आपको भी लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, कि कई सारी लड़कियां हैं जिनका मतलब आप सोचो पूरी लाइफ एक्सपॉयल हो जाती है, या जो भी, वो पहले बोलते हैं हम शादी करेंगे, फिर ऐसी चीज़ें करना, फिर उसके बाद ये बोलना कि मुझे शादी नहीं करनी या किसी और से कर लेना, दैट इज़ द फेक प्रॉमिसेस जो कि किए जाते हैं कपल्स के द्वारा, तो उसको यहाँ पे ऑफेंस बताया गया है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि सेक्शन 69, ठीक है, प्रपोज किया है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बिल आया है अभी, जिसके बारे में परसों हमने वो किया था, डिस्कस किया था,
उसमें आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ द मैरिज एज एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस होगा। सेक्शन 69 क्रिएट टू वायलेशन, सेक्शन 69 क्रिएट करता है दो वायलेशन, वन बाय डेसिट फुल मींस एंड वन बाय फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, शादी करेंगे नहीं करते। डेसिट फुल मींस विल इंक्लूड फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोलते हैं कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, प्रमोशंस, इंड्यूसमेंट, मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑफेंस होगा। द फॉल्स प्रॉमिसेस टू मैरी विल बी अट्रैक्टेड ओनली व्हेन अ मैन आस्क अ प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन, बोल रहे फॉल्स प्रॉमिसेस जो होता है, फॉल्स प्रॉमिसेस टू मैरी विल बी अट्रैक्टेड ओनली व्हेन मैन मेक अ प्रॉमिस टू मैरी वुमन, मतलब एक आदमी प्रॉमिस करता है कि वो शादी करेगा विद इंटेंशन ऑफ ब्रेकिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग हर कंसेंट एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हर। ठीक है, उसके लिए अगर वो यूज़ करता है। इन 2016 क्या हुआ, अ क्वार्टर ऑफ द टोटल रेप केसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली, मतलब बता रहे हैं कि 2016 में रेप केसेस जो रजिस्टर्ड हुए दिल्ली में पर्टेन्ड टू सेक्स अंडर फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज। ठीक है, तो उन्होंने शादी का वादा करा पर नहीं करा। एज पर द दिल्ली पुलिस डेटा, ये दिल्ली पुलिस डेटा के वहाँ से सोर्सेज मिले हैं, एज पर दिल्ली पुलिस डेटा इसमें क्या कहा था, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्या किया है, इन द सेम ईयर रिकॉर्ड किया है 10,068 सिमिलर केसेस ऑफ रेप बाय नोन पर्सन एज अ प्रॉमिस टू मैरी दी विक्टिम। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन में ऑफेंस बोला है और मतलब ये हो गया। अगर आपको डेटा नहीं याद रखता है चलता है, बस आपको चीज़ें लिख देनी है कि सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करते हैं, गेटिंग हर पर्पस ऑफ गेटिंग हर कंसेंट एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉयट, दैट्स व्हाई दे मेक फेक प्रॉमिसेस। ठीक है, और वो नहीं निभाते उस चीज़ को, तो उसी सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, IPC की बात की है, 1860 आइडेंटिफाई सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज इज एन ऑफेंस, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा है। ठीक है, देखो क्रिप्टो के बारे में फिर से डिस्कशन हुआ, देखो लगातार ये चीज़ें आती हैं। अब आपको याद होगा 2022 में, 2022 में और स्टार्टिंग के 2023 में हमने लगातार क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, सबको याद होगा, जिन्होंने जो पहले से देख रहे होंगे या जो खुद से भी कर रहे होंगे तो उनको याद होगा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के बारे में हमने कितनी बार डिस्कशन वहाँ पे करा था। अब एक चीज़ आपको यहाँ से क्या देखना है कि फिर से ये चीज़ बात हुई है G20 में। अब देखो क्या कहा जा रहा है, विद दी G20 कंट्रीज अग्रीड टू एक्सप्लोर अ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करी गई है किसके, क्रिप्टो एसेट के। इंडिया कुड वेट अ वाइल लॉन्गर बिफोर फर्मिंग अप इट्स डोमेस्टिक रेगुलेशन फॉर क्रिप्टो करेंसीज इन एंड इनिशिएट अ डायलॉग विथ स्टेक होल्डर ऑन द वे फॉरवर्ड एंड आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। बैन किस पे लगाने की बात करी, क्रिप्टो करेंसी दैट वाज मूटेड बाय दी RBI एंड अंडर कंसिडरेशन बाय दी गवर्नमेंट इज लाइकली ऑफ द कार्ड, असीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये चीज़ इंडिकेट किया है किस पे, संडे को। अर्लियर क्या हुआ था, पहले इंडिया वॉज कंप्लीटिंग अ बैन ऑन इट, पहले वो बैन कर रही थी। अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन हैपन, मतलब बातचीत हुई इन लेटर 2021 में क्या हुआ, देयर वॉज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, कि इंटरेस्ट दिखाया गया क्रिप्टो करेंसीज में, लॉट ऑफ पीपल वर बाइंग इट एंड इवन एडवर्टाइजमेंट वर कमिंग इन IPL मैचेस विच वी फेल्ट वॉज नॉट ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्या निकली कि दो पहले तो नहीं, मतलब इंडिया वॉज कंप्लेटिंग टू बैन ऑन इट, मतलब इंडिया बैन करने की सोच रही, फिर उसके बाद क्या देखा गया कि बहुत सारी बातें चीतें हुई। उसके बाद लेट 2021 में, मतलब 2021 में क्या देखा गया कि बहुत सारा लोगों को इंटरेस्ट आया क्रिप्टो करेंसी में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाय करना चाहते थे, इवन एडवर्टीजमेंट वर कमिंग इन IPL मैचेस विच फेल्ट वॉज नॉट ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। व्हेन वी वेंट डीपर इन टू रेगुलेशन इट वॉज रियलाइज्ड ऑन कंट्री अलोन कैन नॉट। ओके, फिर इस पर G20 लीडर्स ने क्या किया है, G20 लीगल डिक्लेरेशन हैज़ एंडोर्स दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में बात करी है, जिसमें क्या किया गया है, रिकमेंडेशंस टू रेगुलेटर, मतलब इसमें रिकमेंडेशंस है रेगुलेट करने के लिए एंड सुपरवाइज करने के लिए क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ को। इट वेलकम अ सिंथेसिस पेपर फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दी FSB विच इंक्लूड अ रोड मैप फॉर कोऑर्डिनेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट फैक्टर इन रिस्क इंक्लूडिंग दोज स्पेसिफिक टू
एमर्जिंग मार्केट एंड पर्टेनिंग इनटू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग और ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, फाइनेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। टाइमली एक्सक्लूजन की बात की जा रही है, G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर ने डिस्कस किया, फॉरवर्ड दिस रोड मैप एट मीटिंग मार्केश नेक्स्ट मंथ, ठीक है। रोड मैप एट अ मीटिंग इन मार्केश नेक्स्ट मंथ एनी, वो मतलब वो डिस्कस ये सब चीज़ों पे होएगी। एनी कंट्री कैन अलाउ हायर रिस्क इफ़ दे वांट, वो अलाउ कर सकते हैं दे वांट, और बैन मतलब वो अलाउ कर सकते हैं या बैन कर सकते हैं वो कंट्री पे है। इट हैज़ टेकन अप नॉट जस्ट बाई G20 कंट्रीज बट अदर्स एज वेल, और भी सोच रहे हैं। IMF मैनेजर हैं डायरेक्टर, उन्होंने क्या बोला है संडे को, मोर वर्क लाइज अहेड इन द रियलम ऑफ डिजिटल मॉनिटरी एंड क्रिप्टो रिस्क। तो मतलब सारी चीज़ें देखो, डिजिटल जमाना है ये, ठीक है, तो चीज़ें रेगुलेशन और ये सब बातें हो रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये देखो कैनबिस की बात यहाँ पे हो रही है। एप्पल कंट्रीज़ गेट ग्राउंड रेडी फॉर कैनबिस कल्टीवेशन, कैनबिस आपको पता है बैन था इंडिया में। अब देखो क्या कहा जा रहा है, विद द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप टू लीगलाइज, वो लीगलाइज करने वाले हैं कैनबिस हेम्प कल्टीवेशन को, स्टेट में ग्रोज आर अनबीट एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गेटिंग अ इकोनॉमिक बूस्ट, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए वो ऐसा करने वाले हैं। और इसमें बताया ये भी जा रहा है, आ कमेटी कंप्राइजिंग लॉ मेकर्स दैट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लीगल कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस रिसेंटली रिकमेंडेड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस फॉर नॉन नार्कोटिक यूज़ ऑफ कैनबिस फॉर मेडिसिनल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक यूज़। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से इसको नॉन नार्कोटिक यूज़ के लिए यूज़ करने की बात करी जा रही है, जैसे मेडिसिनल पर्पज़ से, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक यूज़ के लिए, ठीक है। हेम्प इज़ बोटानिकल क्लास ऑफ कैनबिस सतीवा कल्टीवर्स ग्रोइंग स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल यूज़। तो बोल रहे हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए ये करेंगे, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दो इट इज़ इलीगल अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको ट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट के तहत ये क्या है, इलीगल है। ओके, NDPS एक्ट जो है 1985 का, वो इम्पोज करता है बैन एक्सट्रैक्टिंग द रेसिन एंड फ्लावर फ्रॉम द प्लांट, बट द लॉ डिटरमाइन द मेथड एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स कल्टीवेशन फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस। अब याद रखना है आपको ध्यान से कि मतलब वैसे आपको नशे के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, नारकोटिक एक तरीके से नॉन नारकोटिक पर्पस के वजह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें क्लियरली मेंशन है NDPS एक्ट 1985 में कि मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए आप कैनबिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको। ओके, सेक्शन 10A, तो ये हो गया, ठीक है। सेक्शन 10A क्या कहा जा रहा है, जैसे गांजा भांग जानते हैं ना आप, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। सेक्शन 10A सब क्लॉज 3 क्या कहता है, एक्ट एम्पावर स्टेट्स टू मेक रूल्स रिगार्डिंग कल्टीवेशन, मतलब उनको रूल बनाना होगा कल्टीवेशन के लिए स्टेट को, ऑफ एनी कैनबिस प्लांट प्रोडक्शन पोसेशन ट्रांसपोर्ट कंजप्शन या यूज़ पर्पस, जो भी चीज़ें हैं सेल कंजप्शन कैनबिस एक्सेप्ट चरस। अब देखो कंजप्शन एक्सेप्ट चरस, चरस का नहीं बताया गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2017 में क्या है, हिमाचल प्रदेश नेबर उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन। अब यहाँ से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि कौन सा फर्स्ट स्टेट ऐसा है जिसने अलाउ किया था किसको लीगलाइज करना कैनबिस कल्टीवेशन को, जो कि था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड था। रंजीत सिंह घुमान अ प्रोफेसर ऑफ इमिनेंस एट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इन सम रीसेंट रिसेंटली एडेड अ स्टडी टाइटल डायनेमिक ऑफ ड्रग डायरेक्शन एंड अब्यूज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंप्लेशन दैट पॉइंटेड आउट दैट अप्रॉक्सिमेटली 95% ड्रग एडिक्टेड इन हिमाचल प्रदेश आर यूजिंग कैनबिस एंड इट्स बाई प्रोडक्ट। तो ये कह रहे हैं कि 95% हिमाचल प्रदेश में लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कैनबिस और उसके बाई प्रोडक्ट को। नॉट गेटिंग इन टू द गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट फॉर लीगलाइजिंग द कल्टीवेशन कैनबिस इट इज़ लाइकली टू एनकरेज एडोलेसेंट, मतलब एडोलेसेंट को इनकरेज करेगी एंड यूथ को टूवर्ड्स द यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ कैनबिस। इट्स मे हाउएवर हेल्प एडिक्ट्स टू शिफ्ट फ्रॉम यूज़ ऑफ मोर हार्म ड्रग्स टू लेस हार्मफुल ड्रग्स बट देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे मे एंड अप इन लाइफ लॉन्ग एडिक्शन। तो एक तरीके से ठीक है, प्रो कॉन्स सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं।
पर आपको याद रखना है पहला स्टेट था उत्तराखंड, अभी ये हिमाचल प्रदेश भी ऐसा कर रहा है। आदि तेलवन कंप्लीट्स अनदर स्टेप्स इन जर्नी टुवर्ड्स सन, तो उसने अपना एक और स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अभी चल ही रहा है उसका, वो लास्ट में जब आदि तेलवन का हो जाएगा सारी चीज़ें तब हम डिस्कस करेंगे। अभी चंद्रयान 3 का हमें करना है और G20 का भी करना है। हालांकि हम लगातार कर ही रहे हैं, तो आपको ऐसे सोचना नहीं है कि एक दिन हमारी उस पर वीडियो आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है। डिकोडिंग RBI न्यू फ्लोटिंग रेट होम लोन गाइडलाइंस भी दी हुई है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स का आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये भी स्पोर्ट्स का है, ये भी स्पोर्ट्स का है। साइंस का पेज आज हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग गिव्स मॉस्किटो कंट्रोल एंड अपग्रेड। अब एक बात आप सब लोग कमेंट करके बताना, कितनी बार हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में डिस्कस किया है, ये सब बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। समरी में क्या है ये देखेंगे। द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज लेड टू एनुअल सर्ज इन मॉस्किटो बॉर्न इलनेस। तो ये कहा जा रहा है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉस्किटो बॉर्न इलनेस जैसे कि डेंगू फैल रहा है। These have expanded into new territories. A notable example is an indigenous case of dengue in France. जैसे कि डेंगू कहाँ पर देखा गया, फ्रांस में इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब क्या कहा जा रहा है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी वॉज कंसीव्ड बाई अस्टिन बर्ट प्रोफेसर एट इम्पीरियल कॉलेज। तो ये जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है वो किसके बारे कंसीव की गई है, ये अस्टिन बर्ट के द्वारा, जो कि प्रोफेसर हैं इम्पीरियल कॉलेज लंदन के। इन 2003 पेपर्स उन्होंने पब्लिश किया था, जो कि रॉयल सोसाइटी प्रोसीडिंग में। प्रोटीन कट्स द मॉस्किटो DNA एट अ पार्ट, मतलब कह रहा है जो प्रोटीन है वो क्या करती है, कट्स द मॉस्किटो, कट करती है मॉस्किटो के DNA एट अ पार्ट दैट डजंट इनकोड अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द जीनोम। दिस ट्रिगर्स अ नेचुरल मैकेनिज्म इन द सेल कंटेनिंग द DNA टू रिपेयर एंड फोर्सेस द कॉल इन द इनकॉर्पोरेटेड सीक्वेंस कॉल्ड ड्राइव सीक्वेंस into the damaged portion, okay? In 2020 में क्या कहा जा रहा है, a genetically modified mosquito जिसका नाम है OX5034, important, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है 2020 में genetically modified mosquito जिसका नाम है OX5034 release किया गया in country in Florida and Texas, released in was released, मतलब release वो कहाँ पे, country जैसे Florida and Texas में। तो 2020 में जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्क्यूटो जिसका नाम भी यहाँ पे पता चल गया, वो रिलीज़ हुआ कहाँ पे, फ्लोरिडा एंड टेक्सास में। जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल OX5034 मॉस्क्यूटो मेटेड विद द फीमेल मॉस्क्यूटो बट सेल्फ लिमिटिंग जीन प्रिवेंटिंग फीमेल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सर्वाइविंग। मेल मॉस्क्यूटो वुड देन अपीयर एंड एनवायरमेंट आफ्टर अराउंड डजन जनरेशन। तो ये चीज यहाँ पे किसकी बात चल रही है, मॉस्क्यूटो की। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमें डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।